हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड, आज बनाते हैं विटामिन और मिनरल प्रोटीन से भरपूर ड्राई फ्रूट बर्फी, जो कि बहुत ही आसान और झटपट तरीके से बनाने का आज हम तरीका लेकर आए हैं और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट तरीके से बर्फी का पीस कट रहा है। चलिए फ्रेंड, इस बनाने के लिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने दो नारियल लिए थे। ये नारियल को हम अच्छे से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और इसका बनाकर रखेंगे हम बुरादा। अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे घी। घी डालने के बाद इसमें हम काजू बादाम डालेंगे। अगर आप और भी ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं इसकी इसमें तो आप डाल सकते हैं। और इसे हम करेंगे हल्का सा रोस्ट। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करेंगे और बहुत ही हल्का सा हमें इन्हें रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने काजू बादाम को हल्का रोस्ट करके निकाल लिया है और बाकी जो घी में बचे हुए है इसमें डालेंगे हम गोंद। ये गोंद हमारी कमर दर्द और बहुत सारे बीमारियों में फ़ायदा करता है। इससे कमर में दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी। और इसे भी भून कर हम घी में एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी हड्डियों को मजबूत और याददाश्त को तेज़ करते हैं। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनेगी इसकी। और इसको हम निकाल कर रख लेते हैं एक प्लेट में और बाकी बचे हुए घी में हम डालेंगे मखाने। और इस मखाने को भी हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। मखाने भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। और इन्हें भी हल्का सा हम करेंगे रोस्ट और इसे भी वापस से एक थाली में निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी और डालेंगे, इसमें डालेंगे हम किशमिश। किशमिश को भी हल्का सा ही हमें भूनना है और इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और फिर हम डालेंगे बचे हुए घी में नारियल का बुरादा। और यहाँ पर हमने सारा नारियल का बुरादा डाल दिया है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं इसको, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको नारियल को ग्रेट करके इसका बुरादा बनाया और इसे भी हम अच्छे से हल्का सा भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे। चलिए नारियल का बुरादा भी हमारा अच्छे से भून चुका है, इसको भी हम निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। अब हम जो हमने गोंद को भून के रखा था इसको हम एक कटोरी या गिलास की मदद से क्रश कर लेंगे। इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसको पीसेंगे नहीं बारीक, हमें पाउडर नहीं बनाना है। इसको हम सिर्फ कटोरी से ही मैश करके बारीक करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। लीजिए, हमारी गोंद भी अच्छे से क्रश हो चुकी है मोटी मोटी और बाकी जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे इसको भी हम एक ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर बना के तैयार करेंगे। देखिए हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रख लिया है और इसका दरदरा ही पाउडर हमने बनाया और हमने सारे एक प्लेट में निकाल लिया। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे हम दो कटोरी चीनी, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है तो इसमें दो कटोरी के लगभग चीनी पड़ जाएगी। आप कोई भी नाप ले सकते हैं, कप या फिर कटोरी। और इसमें डालेंगे हम एक कटोरी पानी। इसमें पानी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा देर हमें चाशनी पकानी पड़ेगी और कम पानी यूज़ करेंगे तो कम देर में चाशनी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। और इसे चीनी को मेल्ट होने देते हैं और बीच बीच में एक दो बार इसको हम हिला देंगे कलछी से। प्लीज़ दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे रोज़ नाश्ते में एक बार ज़रूर खाइएगा। आपकी हड्डियों को मजबूत और याददाश्त को मजबूत बनाएगा। चलिए चाशनी को चेक करते हैं। इधर मैंने पानी में डालकर चाशनी को चेक किया है। चाशनी हमारी अच्छे से बबल्स आने लगे हैं और अच्छे से कुक हो चुकी है। और इसे देखिए, मैं और दिखाती हूँ आपको। पानी में डालकर ये चाशनी हमारी अच्छे से जमने लगी है। जैसे ही उसमें डालते हैं पानी में, जमने लग जाती है चाशनी। अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से करेंगे चाशनी के साथ मिक्स। और इसमें हम जो भुना हुआ गोंद रखा था वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद।
और इसे चाशनी के साथ करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये चाशनी के साथ मिक्स होकर इस तरह से हो गई है। और यहाँ पर हम हल्की सी गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसे निकाल लेते हैं एक थाली में। थाली में हमने घी लगा के रखा था पहले से, और इसमें निकाल लेंगे सारे ड्राई फ्रूट मिक्स चाशनी को। और इसे निकालने के बाद इसे हम थाली में सेट करेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना लेंगे। लीजिए, इसे हम अच्छे से थाली में जमा देते हैं ताकि इसे गरम गरम को ही अच्छे से हमें फैलाना है। बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे। जितनी जल्दी ये ठंडा हो जाएगा उतनी जल्दी ये सेट हो जाएगा, फिर ये जम नहीं पाएगी। और इसे अच्छे से हम दबाते हुए कलछी से सेट कर लिया है। लीजिए, हमारी मसाला पाक सेट हो चुका। और इसे हम कट करेंगे गरम गरम पर ही। अभी हम ताजी ताजी पर ही चाकू से कट लगा देंगे, लेकिन निकालेंगे इसको बाद में। चाकू से इसे पहले कट इसलिए लगाएंगे, बाद में सेट हो जाएगा तो चाकू चल नहीं पाएगा और हमारी बर्फ़ी की सेप भी नहीं आएगी। इसे आप सुबह शाम दूध के साथ एक पीस को ले सकती हैं। और ये बहुत ही हेल्दी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मसाला पाक बर्फ़ी, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपकी मसाला पाक बर्फ़ी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही स्पेशल तरीके से बनके तैयार होगी। चलिए, हमने पूरी थाली में कट लगा दिए हैं और इसे निकाल लेंगे हम ठंडा होने के बाद।